इंटरनेट आज के समय में सबकी जरूरत बन चुका है और आज के समय में हम 4G जैसे फास्ट इंटरनेट नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को अपने इंटरनेट स्पीड से काफी शिकायत है क्योंकि उनके फोन और कंप्यूटर में 4G डेटा स्पीड काफी कम आती है या फिर काफी स्लो होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने इंटरनेट स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और इसके बहुत सारे उपाय भी हैं। तो चलिए इसके बारे में अब विस्तार से जान लेते हैं कि आप अपने इंटरनेट स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट स्पीड क्या है। इंटरनेट स्पीड वह स्पीड होती है जिसके द्वारा आप इंटरनेट की मदद से डेटा को तेजी से ट्रांसफर करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड 5 Mbps है तो आप 1 सेकंड में 5 MB डेटा को रिसीव कर रहे हैं। इंटरनेट की स्पीड को बाइट्स पर सेकंड में मापा जाता है और इसको मापने के लिए आपको इंटरनेट स्पीड टेस्ट टूल की मदद लेनी पड़ती है। साथ ही साथ हम यह भी जान ले कि इंटरनेट स्पीड कैसे काम करता है। इंटरनेट स्पीड वायर और वायरलेस माध्यम से हम तक पहुंचता है और इसकी क्षमता बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आपके इंटरनेट की स्पीड 1 Mbps की है और आपको 5 Mbps की कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तो ऐसे में आपके बैंडविड्थ की क्षमता केवल 1 MB को 1 सेकंड के समान को लेकर आने की है, तो उसको 5 MB की फाइल लाने में 5 सेकंड का समय लगेगा। अब बात करेंगे इंटरनेट की स्पीड कम क्यों होती है। स्लो इंटरनेट स्पीड के कई कारण होते हैं, जैसे कि यूजर्स की कैपेसिटी के मुकाबले कम बैंडविड्थ का उपलब्ध होना या फिर गलत APN का उपयोग, या आपके मोबाइल में अच्छे और फास्ट इंटरनेट सपोर्ट करने वाले हार्डवेयर का न होना। ये सभी कुछ प्रमुख कारण हैं स्लो इंटरनेट स्पीड होने के, लेकिन और भी कुछ कारण होते हैं जिनके वजह से आपके मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, जैसे कि कम लो प्रेफरेंस नेटवर्क 2G का होना, सर्वर डाउन होना, बैंडविड्थ की कमी, स्पीड लिमिट का सूट होना या फिर लो क्वालिटी के राउटर का होना। ये सभी मुख्य कारण हैं। अगर आप लो इंटरनेट स्पीड को महसूस कर रहे हैं तो आप अपने इंटरनेट प्लान और बैंडविड्थ की जांच अपने इंटरनेट ऑपरेटर के द्वारा जरूर करवाएं। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ाएं। अगर आपके एरिया या आपके इंटरनेट प्लान की स्पीड 1 Mbps की है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इंटरनेट की स्पीड को 10 Mbps तक बढ़ा सकें। लेकिन हाँ, यदि आपके इंटरनेट की स्पीड आपके द्वारा लिए गए प्लान से कम आ रही है तो आप उस स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप किन सिंपल तरीकों को फॉलो करके आपके मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं। एक, APN सेटिंग्स को सही करके। आपके मोबाइल में इंटरनेट चलने के लिए APN बहुत मैटर करता है। आपके डिवाइस में सही APN न सूट हो तो आपका इंटरनेट स्लो या फिर बिल्कुल बंद हो सकता है। तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर अपने APN को चेक करें और उसको डिफॉल्ट रीसेट कर दे, ताकि यदि कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ी हो तो वो खुद सही हो जाए। दो, मोबाइल या कंप्यूटर में एड ब्लॉकर का उपयोग करके।
मोबाइल या कंप्यूटर पर इंटरनेट ब्राउज करते समय आपने एड्स को जरूर देखा होगा, जो कि वीडियो या इमेज के फॉर्म में होते हैं और ये लोड होने के लिए इंटरनेट का अधिक इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आपका मेन पेज स्लो लोड होता है, जिसके कारण आपको स्लो इंटरनेट का एहसास होता है। अगर आप एड ब्लॉकर का उपयोग करते हैं तो आपके ब्राउजर में एड्स लोड नहीं होगी, जिसके कारण आपका इंटरनेट आपके एक्चुअल वेब पेज को फास्ट लोड करेगा और आपको फास्ट इंटरनेट का एहसास होगा। 3. डिवाइस को चेंज करके। अगर आप आज के समय में पुराने डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें लगे कंपोनेंट्स भी पुराने और लो कैपेसिटी के होंगे, जो कि शायद आज के समय की जरूरत के हिसाब से स्लो हो सकते हैं। जैसे कि डिवाइस की नेटवर्क स्ट्रेंथ की क्षमता कम हो या फिर उसके अंदर का लगा मोडम आज के इंटरनेट स्पीड को न संभाल पा रहा हो। ऐसे में भी आपको अपने डिवाइस में स्लो इंटरनेट स्पीड की प्रॉब्लम महसूस होगी, तो आप अपने पुराने मोबाइल डिवाइस को चेंज कर दें। 4. फालतू ऐप्स को डिलीट करके। अगर आपके मोबाइल के कुछ ऐसे ऐप्स मौजूद है जिनका उपयोग आप अपने डेली लाइफ में नहीं करते हैं और केवल जरूरत पड़ने पर ही करते हैं, तो आप उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि यह आपके इंटरनेट का रेगुलर इस्तेमाल करती रहती है तब भी जब आप उन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और ऐसे में भी आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो आप फालतू ऐप्स को अनइंस्टॉल करके भी अपने इंटरनेट स्पीड को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। इसके साथ आपके डिवाइस में स्पेस भी खाली होगा। 5. बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करके। आप अक्सर जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का उपयोग करते हैं तब उनको बैकग्राउंड में ओपन छोड़ देते हैं। ऐसे में जब आप कुछ अन्य काम या वर्क कर रहे होते हैं तब भी आपको स्लो इंटरनेट स्पीड का एहसास होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में रन कर रही फेसबुक जैसी ऐप्स आपके इंटरनेट डेटा का अधिक इस्तेमाल कर रही होती है। ऐसे में आप अपने मोबाइल के बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज करके भी इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हो सके तो सेटिंग्स में जाकर उनको फोर्स स्टॉप कर दे ताकि वह ऐप्स पूरी तरह से बंद हो जाए। 6. डेटा मैनेजमेंट ऐप्स का उपयोग करके। आज के समय में बहुत से डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फ्री में उपलब्ध है, जिसकी मदद से आप यह जान सकते हैं कि कौन सी मोबाइल ऐप्स ज्यादा इंटरनेट डेटा को कंज्यूम कर रही है, और डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से आप उनके डेटा के कंसम्पशन पर लिमिट लगा सकते हैं या पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। यह भी आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने में सहायता करता है। 7. ब्राउजर को अपडेट करें। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपके फोन में लेटेस्ट ब्राउजर वर्न न होने की वजह से भी आपको ब्राउजिंग करते वक्त स्लो इंटरनेट स्पीड का एहसास हो सकता है। आपको हमेशा अपने डिवाइस में ब्राउजर को अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नए अपडेट के साथ उसमें नए सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड किया जाता है और इंटरनेट ब्राउजिंग को और भी ऑप्टिमाइज और बेहतर किया जाता है, ताकि आपको बेस्ट इंटरनेट ब्राउजिंग का अनुभव मिल सके। 8. फास्ट ब्राउजर का इस्तेमाल करके। आपको हमेशा एक अच्छा और फास्ट वेब ब्राउजर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो ब्राउजर ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और वो पेजेस को फास्ट लोड करते हैं, जिससे कि आपको फास्ट इंटरनेट स्पीड का अनुभव मिलता है। अगर आप क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको अपडेट कर ले और उसके सेटिंग्स में जाकर लाइट मोड को इनेबल कर दे। इससे आपके मोबाइल में वेब पेजेस फास्ट ओपन होगी और आपको इंटरनेट स्पीड भी अच्छा मिलेगा। 9. कैश क्लियर करके। जब भी आप किसी प्रकार के वेब पेज को अपने ब्राउजर या ऐप में खोलते हैं तो उन पेजेस के कैश ब्राउजर में स्टोर हो जाते हैं।
जो कि अधिक बढ़ जाने पर आपके इंटरनेट की स्पीड पर असर डालने लगते हैं। इसलिए आप हमेशा समय समय पर ब्राउजर सेटिंग्स में जाकर क्लियर कैश और क्लियर कुकीज जोर करें, ताकि आपको हमेशा फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलती रहे। 10 बेस्ट नेटवर्क प्रेफरेंस सिलेक्ट करके, अगर आपका नेटवर्क 2G पर सेट है तो ऐसे में भी आपको इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो आप अपने नेटवर्क को सेटिंग्स में जाकर 4G नेटवर्क प्रेफरेंस पर सेट कर दे, ताकि आपको फास्ट इंटरनेट स्पीड मिले। 11 सिम को अपग्रेड करके, यदि आप 4G के समय में भी 2G या 3G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज ही अपने सिम को 4G में अपग्रेड करवा ले, ताकि आपको हाई इंटरनेट स्पीड मिल सके, क्योंकि 3G और 2G के मुकाबले आज के समय में 4G सबसे फास्ट नेटवर्क है और इसमें इंटरनेट स्पीड आपको 6 से 12 Mbps की आसानी से मिल जाती है। 12 मोबाइल में वायरस स्कैनर को इंस्टॉल करके, वायरस स्कैनर एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब भी आप अपने फोन में इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो कई बार बैकग्राउंड में अनवांटेड प्रोसेस होने लगते हैं, जो कि आपके इंटरनेट रिसोर्सेस का उपयोग करते हैं और आपके मोबाइल में अनवांटेड फाइल्स को सीक्रेटली डाउनलोड कर देते हैं। ऐसे में वायरस स्कैनर आपके मोबाइल को सेफ रखता है और सभी अनवांटेड एप्स और प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, तथा इसके साथ साथ आपके ब्राउजर में वायरस वाले वेब पेजेस को भी ओपन होने से रोकता है, जिसकी वजह से आपको वेब ब्राउजिंग करते वक्त फास्ट इंटरनेट स्पीड का अनुभव होता है। 13 RAM और इंटरनल मेमोरी को खाली करके, किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइस को फास्ट चलने के लिए उसमें उचित राम और इंटरनल मेमोरी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके फोन का स्टोरेज फुल हो गया है या फिर 20% से कम रह गया है तो ऐसे में आपका फोन स्लो काम करने लगता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर आपके फोन के राम पर पड़ता है, तथा मोबाइल में अधिक एप्स मौजूद होने से राम की मेमोरी भी अधिक इस्तेमाल होती है, जिसके कारण आपका मोबाइल डिवाइस स्लो होने लगता है, और जब डिवाइस स्लो काम करेगा तो इंटरनेट स्पीड पर भी इसका सीधा असर होगा, और वो भी स्लो काम करेगा क्योंकि इंटरनेट भी आपके मोबाइल में मौजूद राम का कुछ हिस्सा प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करता है। हालांकि इंटरनेट की स्पीड और भी दूसरी चीजों पर निर्भर करती है, जिनमें से आपका नेटवर्क और प्लान सबसे मुख्य कारण होता है स्लो इंटरनेट स्पीड का। लेकिन कई बार आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ हेवी वर्ब फाइल्स स्टोर हो जाती है, जो कि बैकग्राउंड में आपके इंटरनेट का उपयोग करती रहती है, जिसकी वजह से आपके डिवाइस में इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है, जो कि आप इंटरनेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इस पोस्ट के जरिए जाना कि कैसे आप इन 13 सिंपल चीजों को चेक करके अपने इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कॉमेंट।